वेलकम टू योर जावा न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में मैंने आपको बताना है अबाउट जावा वेरिएबल्स। जावा में वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी टाइप्स क्या है, उनका सिंटैक्स क्या है, डिक्लेरेशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन पे बात करेंगे, एंड फाइनली हम लोग देखेंगे कि आपके जो जावा के वेरिएबल्स हैं वो कंप्यूटर मेमोरी में कैसे डेवलप होते हैं। और फाइनली हम लोग इसके ऊपर फिर एक एग्जांपल प्रोग्राम कर लेंगे जिससे आपका वेरिएबल का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल जो हैं, अगर उनकी डेफिनेशन को माइंड में रखा जाए तो अभी हम पहला टॉपिक कर लेते हैं डेफिनेशन का। व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल्स इन सर्च जावा। सो वेरिएबल्स बहुत सिंपल सी चीज़ है। वेरिएबल सिंपल अगर मैं आपके सामने लिख दूँ, आप एग्जाम में भी लिख सकते हैं, वेरिएबल इज अ कंटेनर, बस नथिंग एल्स। वेरिएबल क्या है, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल इज जस्ट अ कंटेनर, ये आपका कंटेनर है। अब ये एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि ये किस किस्म का कंटेनर है, ये हमारे लिए क्या कंटेन कर रहा है। और अक्सर स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। इसका भी सिंपल सोल्यूशन है, मैं आपको अभी सारा गाइड कर देता हूँ। वेरिएबल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूँ और आप देखें कि आपको क्या फील होता है इसमें। सी प्लस प्लस में हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है सी आउट। अब सी आउट किस लिए यूज होती है, हम इसमें कोई मैसेज टाइप कर सकते हैं। सो मैं मैसेज टाइप कर लेता हूँ, वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ जावा, और नॉट जावा, शुड बी सी प्लस प्लस। ओके, मैंने लिख दिया। इसके बाद ये जो आपने स्टेटमेंट लिख दिया है, काफ़ी बड़ी सी स्टेटमेंट आपने लिखी है, वेलकम टू माय फर्स्ट जावा और सॉरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो भी है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये स्टेटमेंट आपको 10 times और लिखनी है तो आप आएंगे, दोबारा लिखेंगे सी आउट और आप लिखेंगे वेलकम टू माय फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी प्लस प्लस, फिर क्लोज किया एंड सेंड करना, और इस तरह आप बार बार करते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक छोटा सा इशू आ रहा है कि मुझे ये स्टेटमेंट बार बार लिखनी पड़ रही है, बार बार लिखनी पड़ रही है एंड सो ऑन। जितनी बार भी मुझे अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ करना है, मुझे बार बार बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती हैं। इसी तरह और भी हो सकता है, लाइक मैं अगर करता हूँ सी आउट 100, और ये भी मुझे अगर बार बार यूज़ करने 100 वैल्यूज, तो मुझे बार बार 100 100 100 लिखना पड़ रहा है एंड सो ऑन। तो हम एक काम करते हैं, सिंपल सा काम मैं आपको बताता हूँ। मैं ये दोनों जो भी आपके सामने लिखी है सिचुएशन में, इसको मैं अभी फिलहाल हटा देता हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके सामने लिख लेता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम, या जो भी आपके स्टेटमेंट आपने लिखी, और हम इस स्टेटमेंट को, ये जो भी आपके सामने लिखी है, ये बार बार हम लोग लिख रहे थे, बार बार हमें लिखना पड़ रहा था आगे, अगर हमें प्रोग्राम में इसको यूज़ करना पड़ रहा है तो हमें बार बार राइट करना पड़ता है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको किसी जगह में रख देते हैं, किसी जगह पे पेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए कुछ भी हो सकता है, कोई नाम है, आपको ये जो बड़ी सी वैल्यू आप देख रहे हैं इसको अपने पास रख लेना है। ये जो बड़ी सी वैल्यूज आप देख रहे हैं, बड़ी सी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, मैं ए को कहता हूँ कि आप इस बड़ी स्टेटमेंट को अपने पास रख लो, ताकि मुझे बार बार अगर सी आउट करना पड़ रहा है तो मैं इस पूरी स्टेटमेंट को बार बार ना लिखूं बल्कि सिर्फ आपको लिखूं। अब आप देख रहे हैं कि ये कितना छोटा सा एक करेक्टर है, और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी इन साइड योर डबल कोट स्ट्रिंग स्टेटमेंट थी, और ये छोटा सा करेक्टर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं बार बार जब इस बड़ी स्टेटमेंट को प्रिंट करने लगूंगा तो मुझे बजाय इसके कि मैं पूरा वेलकम टू माय फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखूं, मैं अपने इस ए को लिख दूंगा। और आपको पता लग गया कि ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ए के अंदर ये पूरी स्टेटमेंट पड़ी हुई है, हमने रखी है। रखते कैसे हैं, इन साइड प्रोग्रामिंग आप कोई कोई चीज़, कोई स्टेटमेंट, कोई वैल्यू कैसे एक ए में या बी में रख सकते हैं, उसके लिए एक साइन यूज होता है, उसको हम लोग कहते हैं दिस साइन। इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं। ये असाइन करता है आपकी किसी वैल्यू को,
जो कि एक बड़ी स्टेटमेंट हो सकती है या कोई नंबर हो सकता है, कोई बड़ा सा नंबर हो सकता है, वो असाइन कर देता है आपके किसी स्मॉल से करेक्टर में। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्मॉल करेक्टर लिखा हुआ है, आप कोई नेम भी लिख सकते हैं, ये कोई लेबल हो सकता है, अभी हम बात करेंगे इस पर। तो ये इससे हमें एक फ़ायदा हो जाता है कि अगर अब मैं कहीं पर सी आउट करता हूँ तो मुझे सिर्फ ए लिखना है। एक दफ़ा मैंने लिख लिया, फिर मैं दोबारा करता हूँ सी आउट, फिर मैंने ए लिख लिया। व्हाट इज ए? ए मीन्स दिस होल बिग वैल्यू। तो हमें एक बात का पता लगा है कि हमें अगर इतना टाइम सेव करना है, बार बार इस चीज़ को राइट नहीं करना, तो हम एक छोटा सा कंटेनर ले लेते हैं, छोटा सा एक और कोई चीज़ ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ए ले लिया, और इस ए के अंदर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। ये बड़ा सा स्टेटमेंट, ये जो आप देख रहे हैं अभी, इसको मैं पूरा पुट करके इसमें डाल देता हूँ। इंसर्ट करने का तरीका क्या है? सिंपल, मैंने आपको बताया दिस साइन, इसको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने पूरी बड़ी ये जो वैल्यू है, कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा नंबर हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई नाम हो सकता है, आपने इसको असाइन कर दिया। अब जब भी आपने इसको प्रिंट करना है, आप सिर्फ और सिर्फ लिखेंगे ए, नथिंग एल्स। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो बड़ा अच्छी चीज़ हो गई है, हमें काफ़ी बड़े स्टेटमेंट को लिखने से बार बार सेफ हो गए, लेकिन ये ए है क्या? वो आंसर है आपका ये। इस केस में एक ए जो है, ये एक वेरिएबल है। व्हाट इज ए वेरिएबल? मैंने अपनी डेफिनेशन लिखा था, वेरिएबल इज अ कंटेनर। कंटेनर फॉर व्हाट? कंटेनर फॉर योर वैल्यूज। ये आपकी वैल्यू थी, वैल्यू हो सकती है आपकी स्टेटमेंट हो सकती है, कोई कोई नेम हो सकता है, कोई कैरेक्टर हो सकता है, कोई बड़ा सा नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो डेफिनेशन से तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक एक बास्केट सी बना लूँ, अभी मैं डेवलप कर लेता हूँ, अपने शश कर लेता हूँ, एक बास्केट सी मैं बना देता हूँ। थोड़ी अजीब सी बन रही है, लेकिन चलें गुजारा कर लेते हैं। ये हमने एक बास्केट बना दी, और हमारा कुछ नंबर्स हैं, जैसे 1 है, 2 है, कोई बड़ी स्टेटमेंट है। हमें इन स्टेटमेंट्स को या इन नंबर्स को रखने के लिए कोई बकेट चाहिए, कोई बास्केट चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, हम 1 को कहते हैं यार आप इसमें आ जाओ, 1 इसमें चला गया। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें सिर्फ इस चीज़ पर, तो यहाँ आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक है बकेट और एक उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यू। ये बकेट जो है, ये आपका कंटेनर है, कंटेन कर रहा है किसको? आपके इस 1 नंबर को। तो ये बकेट आपका कंटेनर बन गया। कंटेनर को प्रोग्रामिंग में हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे? मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। आप समटाइम्स फेसबुक पे या इंटरनेट पे किसी वेबसाइट पे या किसी सॉफ्टवेयर में लिख रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर आपसे कुछ डिमांड कर रहा होता है या वेबसाइट के, प्लीज़ इंटर योर नेम, प्लीज़ इंटर योर एड्रेस, इंटर योर लास्ट नेम, इंटर योर फर्स्ट नेम एंड सो ऑन। ये सब चीज़ें जो आप लोग इंटरनेट पर लिखते हैं ना, ये बेसिकली एक कंटेनर में जाकर सेफ हो रही होती हैं। एंड दिस वन इज योर कंटेनर। कभी भी आपसे कोई पूछता है व्हाट इज वेरिएबल, सिंपल स्टेटमेंट, इतनी सी डेफिनेशन मैंने लिखी है, वेरिएबल इज अ कंटेनर, बस दैट इज इनफ। बुक में पूरी बड़ी बड़ी थ्योरीज पाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली ग्राफिकली कर लेते हैं तो आपको खुद से आप लिख सकते हैं कि वेरिएबल क्या है। अब आप इनको अपने वर्ड में लिख लें, इट्स वेरी इजी। आप एग्जाम्पल मैंने ये दिया, आप एग्जाम्पल कुछ और बना लें। जैसे मैं आपके सामने बना लेता हूँ, मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 को बड़ा नंबर है, इसको मैंने सेव करना है। तो मैंने क्या करना होगा, कोई नाम ले लिया जैसे बी, और उसको एक असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू पुट कर दिया आपके बी में, इस बड़े नंबर को। तो बेसिकली होता क्या है, राइट साइड की चीज़ लेफ्ट साइड में प्लेस हो जाती है। ठीक है, बेसिकली ये पूरा सेंटेक्स नहीं है अभी लिखने का, मैं आपको अभी आगे गाइड करता हूँ। अभी जो हमने देखा है कि वेरिएबल है क्या। ओके, सो वेरिएबल इज अ कंटेनर। ओके राइट, वेरिएबल की टाइप्स क्या हैं, ये कितनी टाइप्स के होते हैं मेजरली? हमारे पास बेसिकली जो बड़ी टाइप्स में आ रहे हैं वो हैं प्री डिफाइंड, यानी पहले से बने हुए, और यूज़र डिफाइंड, जो कि यूज़र खुद से बनाता है। अगर हम अभी हम चूँकि जावा लैंग्वेज ही बात कर रहे हैं, तो हम जावा पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि जावा में वेरिएबल्स की टाइप्स आ रही हैं। तो प्री डिफाइंड क्या है? ये प्री डिफाइंड ये हैं, प्री मीन्स पहले, पहले से बने हुए। जावा अपने साथ कुछ वेरिएबल्स खुद लेके आता है अपने लिए, अपने साथ ही लेके आ जाता है, ताकि आप उनको यूटिलाइज कर सकें, जो हम अभी देखेंगे। बल्कि भी देख लेते हैं, मैं आपको पिक्चर बता देता हूँ। ये हैं आपके जावा के प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स की टाइप्स। ये आप देखने को लिखा भाई डेटा की टाइप,
ठीक है, क्योंकि वेरिएबल में हम डेटा पुट करते हैं। अब डेटा डिफरेंट टाइप का हो सकता है, मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि डेटा क्या हो सकता है हमारे पास। मैं आपके सामने अभी लिख देता हूँ, क्या ये हमारे पास एक डेटा हो सकता है? डेट कैन बी डेटा, यस, आपकी वैल्यू है। क्या ये डेटा हो सकता है हमारे पास? ये भी एक वैल्यू ही है, लेकिन इसमें आपके पास डेसिमल भी आ गया। क्या ये एक डेटा हो सकता है? यस, क्योंकि ये करेक्टर वैल्यू है, हो सकता है। क्या ये डेटा हो सकता है आपके पास? लेट्स सपोज मैं कोई नेम लिख लेता हूँ लाइक हेलो, ये भी तो डेटा है हमारे पास, लेकिन इसमें करेक्टर्स ज्यादा है। सो डिफरेंट टाइप के डेटा होते हैं, ये बेसिकली टाइप्स हैं, डेटा की टाइप्स हैं। डेटा सिंगल वैल्यू के साथ हो सकता है, डेटा डेसिमल पॉइंट के साथ हो सकता है, डेटा आपके पास करेक्टर वैल्यू हो सकती है, ए बी सी जो भी आप रखना चाहते हैं, तो डेटा आपके पास मोर देन वन करेक्टर्स भी हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने लिखा डेटा की टाइप, डेटा की टाइप क्या हो सकती है? आप सी प्लस प्लस में पढ़ी होंगी इंटीजर, इंट जिसको आप कहते हैं, फ्लोट पढ़ा होगा आपने, एंड सो ऑन। हमारे पास जावा में बहुत सी टाइप्स हैं, क्योंकि जावा कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट बना हुआ अपनी तरफ से, और है भी, तो स्टूडेंट्स के लिए उसने मसला बनाया हुआ है बहुत ज़्यादा। बट एनीवेज, अब हमने जो कि पेपर पास करना है तो हमें इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो जावा में जो टाइप्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं। बाइट है सबसे पहले, शॉर्ट देख रहे हैं आप, इंट देख रहे हैं आप, लॉन्ग देख रहे हैं, फ्लोट देख रहे हैं, एंड सो ऑन, काफ़ी हैं। इनके सामने उनकी मेमोरी की जो साइजेज हैं वो भी लिखे हुए हैं। जैसे बाइट अगर आप लेते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस रिजर्व हो रही है, इसमें इसने लिखा हुआ है 8 bits, स्मॉल है। अगर आप शॉर्ट लेते हैं तो 16 bits, अगर आप इंट लेते हैं तो 32 bit। आपने सी प्लस प्लस में इंट पढ़ा होगा 2 bytes ले रहा होता है, जो कि 16 बन रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है इन्होंने, इंट को 32 किया हुआ है। इसी तरह लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है, करेक्टर, एंड सो ऑन। अब इनकी रेंज भी लिखेंगे कि अगर आप बाइट टाइप का वेरिएबल ले रहे हो तो उसमें कितनी बड़ी रेंज की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। जैसे 128 टू पॉजिटिव 127 लिखा गया है, इसका मतलब ये कि अगर मैं 100 लेता हूँ बाइट में, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले सकते हैं। अगर मैं 200 लेता हूँ तो ये हमें प्रॉब्लम देगा। एनीवेज, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये डेटा था आपका डिफरेंट टाइप का, और ये आपकी जावा की प्री डिफाइंड टाइप्स हैं, ओके, जो हम अभी देखते हैं। यूजर डिफाइंड टाइप्स जो है हमारे पास, वो तब यूज होती हैं जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लासेस बना लेते हैं, और क्लास बनाने के बाद आप उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तो आपके पास जो टाइप्स यूज होती हैं वो, उसको हम लोग कहते हैं यूजर डिफाइंड टाइप, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स वाला केस, वो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के केस में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट आ गया आपके पास सिंटैक्स, ओके, हमें पता लग गया कि वेरिएबल एक कंटेनर है, उसमें हम कुछ वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो सिंटैक्स क्या होगा उसका? सो सिंटैक्स में ये दो पॉइंट आ रहे हैं आपके पास, हम देख लेते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है, डिक्लेरेशन, और उसको फिर हमने इनिशियलाइज कैसे करना है, तो ये पॉइंट भी देख लेते हैं हम लोग। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ दो चीज़ें आपको चाहिए। फर्स्ट वन, किस टाइप का वेरिएबल बनाना चाहते हैं? अभी मैंने आपको एक पिक्चर शो की थी नीचे, जिसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ रही थी, इंटीजर, फ्लोट, डबल, एंड सो ऑन, तो वो टाइप्स नहीं। तो पहली चीज़ तो आपने बतानी है कि टाइप किस किस्म की है। सेकेंड थिंग, आपने अपने वेरिएबल को एक नेम देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, उसके रूल्स होते हैं, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, माई फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, लास्ट नेम लिख सकते हैं, ये आपके वेरिएबल के नेम है। सो दो बातें हैं यहाँ पे, फर्स्ट वन टाइप, सेकेंड वन नेम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाइप हो सकती है बाइट, वो जो अभी आप एक चार्ट में देख रहे थे, बाइट टाइप हो गई, और अगर वेरिएबल का नेम रखना है तो मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल ए। बस ये सिंपल दो बातें थी, ये है टाइप और ये है आपके वेरिएबल का नेम। नाउ यहाँ पे आपको जो दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये दो चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं, इस पूरी स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। मतलब आपने वेरिएबल बनाया, डिक्लेयर किया, और उसको एक नाम दिया, नाम दे दिया आपने वेरिएबल को, और उसको एक टाइप बता दी, ताकि जावा को कंफ्यूजन ना हो के उसने किस किस्म की वैल्यू को इसमें रखना है। सो दैट वाज योर डिक्लेरेशन, सिंपल। इनिशियलाइजेशन क्या है? इनिशियलाइजेशन ये है कि आप उस वेरिएबल में कोई वैल्यू भी पुट कर रहे हो। अभी तो बाइट है और ए है। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मेमोरी
वेरिएबल्स मेमोरी में कैसे बन रहे होते हैं, वेरिएबल मेमोरी में डेवलप कैसे होते हैं। आप जब ये स्टेटमेंट लिखते हो तो आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर एक बॉक्स बनेगा ए नाम का, ठीक है, एक बॉक्स बन जाएगा, एक स्पेस रिजर्व हो जाएगी, और स्टार्ट में वो एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ यही दो बातें लिखी हैं। किस टाइप का बॉक्स है? बाइट टाइप का, और नाम क्या उसका रखा है आपने? ए। अब मैं इसमें कोई वैल्यू रिपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा कैसे? ए, आपको मैं एक वैल्यू देना चाहता हूँ, वो है लेट सपोज 20। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि 20 अगर आपने किसी स्पेस में पुट करना है, या 30 किसी स्पेस में, किसी कोई भी वैल्यू अगर कहीं पे पुट करनी है, तो आपको कौन सी साइन चाहिए होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल ये है कि ए में जो कि ये बॉक्स है उसमें 20 इंसर्ट कर दो, बस नथिंग एल्स। ए बॉक्स में 20 इंसर्ट कर दो, तो ए बॉक्स पहले आपके पास होगा तभी आप इंसर्ट करेंगे 20। तो पहले आप ये स्टेटमेंट लिखते हो जिसको हम डिक्लेरेशन कहते हैं, फिर उस बॉक्स के अंदर आप लोग या उस वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू असाइन करते हो, और असाइन के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। इससे क्या होगा कि आपके बॉक्स के अंदर 20 जो है वो प्लेस हो जाएगा, 20 में आ गया। और ये जो अभी आपने देखा है सेकेंड स्टेटमेंट, इसमें हमने कुछ वैल्यू पुट की है, इनिशियल वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू हमने ए में पुट किया है, बाद में कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये इनिशियल वैल्यू हमने पुट किया है इस स्टेटमेंट को। फिर सेकंड आप देख रहे हैं, जब आप कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं वेरिएबल के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज कर दिया आपने वैल्यूज को, असाइन कर दिया, और मेमोरी में आपके पास वो वैल्यू अभी पड़ी। सो ये आपके वेरिएबल्स थे। भी हम इस सारे डिस्कशन को अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, और हमें इसके लिए चाहिए होगी एक पिक्चर। सो इस पिक्चर को अपने पास रख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। सो प्रैक्टिकली हम इनको देखें ताकि आपका वेरिएबल्स का प्रॉब्लम जो है जावा में वो सॉल्व हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। कोडिंग में आते हैं, फाइल न्यू करते हैं, एंड थोड़ा मैं फॉन्ट बड़े कर लेता हूँ आपके लिए, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इनको देखते हैं। सो आपको पता है कि क्लास बनती है सबसे पहले जावा में, क्लास, क्लास को एक नाम दे दिया हमने, लेट सपोज वेरी, वेरिएबल्स या वेरी, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, और क्लास की बॉडी। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि क्लास के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि मस्ट है, और उसका नाम होता है मेन। सो हम उसको पूरा सेंटेक्स कैसे लिखते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड मेन जो है वो अपने पास बॉडी में, अपनी पैरेंथेसिस में कुछ लेता भी है, स्ट्रिंग टाइप की एरे, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, आप उसको देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज मीन बाय दिस होल थिंग। ओके, सो मेन की भी अपनी बॉडी होती है, ये मेन की बॉडी है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। फर्स्ट टाइप आपकी बाइट है, तो मैंने आपको अभी जो वेरिएबल को डिफाइन करने का सेंटेक्स बताया था वो ये था। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? टाइप। जावा में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं? ये सब टाइप्स आपको नजर आ रही हैं जावा में, बाइट, शॉर्ट, एंड, लॉन्ग, क्योंकि ऊपर क्या लिखा हुआ है? डेटा की टाइप। सो हम करेंगे अभी इसको, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ बाइट। सेकेंड मैंने आपको क्या बताया कि डेटा टाइप लिखने के बाद आप क्या डिफाइन करोगे? वेरिएबल का नेम, आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हम वेरिएबल का नेम रख लेते हैं, हम रख लेते हैं ई। ओके, ये आई थिंक फॉन्ट बहुत बड़ा हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। आई होप ये आपको नजर आ रहा है। ओके, क्योंकि मुझे ये पिक्चर भी पीछे बैकग्राउंड में शो करनी है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, हम इसके साथ साथ ही चलें। सो मैंने बाइट डेटा टाइप यूज की फर्स्ट वन, और मैंने वेरिएबल का नेम रख लिया ए। डेट वॉज वॉट? डेट वॉज डिक्लेरेशन, ये आपकी डिक्लेरेशन थी, डिक्लेयर कर दिया हमने वेरिएबल को विद अ टाइप कॉल्ड बाइट। अब हमारा सेकंड स्टेप आएगा कि इस वेरिएबल ए में कोई वैल्यू पुट कर दें। तो वैल्यू कैसे पुट होती है आपको याद होगा, ये साइन था, असाइनमेंट ऑपरेटर, और किस में पुट करनी है? ए में। और क्या वैल्यू पुट करना चाहते हैं? अब वैल्यू तो हम कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें एक बात का ख्याल रखना है कि बाइट कहाँ तक वैल्यू सपोर्ट करता है। आप जरा देख लें आगे कुछ लिखा हुआ है, रेंज फॉर योर बाइट,
-128 टू +127, यहाँ तक रेंज एक्सेप्ट होती है, बहुत छोटा सा ये 8 बिट्स हैं। सो मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 10, क्या ये पॉजिटिव 10 इस रेंज के अंदर आ रहा है 127 के अंदर? यस आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, हम इसे कहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर दो, किसको? ए में पड़ी हुई वैल्यू को, ठीक है ना, ए में क्या पड़ा हुआ 10, तो हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। और हमने देख लिया कि 10 है और वो बाइट की रेंज में भी आ रहा है, तो हमें कोई इशू नहीं आना चाहिए। सो लेट्स सेव योर प्रोग्राम, इसको मैं नाम देता हूँ वेरी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, डॉट जावा एंड सेव। सेव हो गया ये नाम और आपकी फाइल का नाम सेम होना चाहिए। ओके, इसको कंपाइल कर लेते हैं। ओके, ये आई थिंक बड़े उसमें सपोर्टिव नहीं है, तो आई होप ये आपको नजर आ रहा है। सो मेरे प्रोग्राम को मैंने जो नाम दिया था वो था वेरी, सो हम लिखेंगे जावा सी, काइंडली हमारे प्रोग्राम को कंपाइल कर लो डॉट जावा, तो वो उसने मेरा भी दिया, विट मीन सब कुछ ठीक गया। अब हम इसको रन करते हैं यूजिंग जावा फाइल, तो हमें लिखना है जावा वेरी, और हमारा आंसर आ चुका है 10। और आप देख रहे हैं ये 10 मैंने इसमें पुट किया था ए में, और मैंने लिखा ए को प्रिंट करो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन ए, तो ए में जो भी वैल्यू थी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, विच इज 10। ओके, अब एक काम करते हैं, ये रूल्स जो हैं इसको हम थोड़ा सा गलत करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पे 127 इज द हाईएस्ट नंबर, लेट्स सपोज 127 लिखते हैं, सेव करके प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। हमें एरर नहीं आया, ओके, और हम रन करते हैं तो हमें 127 भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, गुड। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी वैल्यू देता हूँ विच इज मोर देन 127, 200। अब 200 पॉजिटिव वैल्यू आपके बाइट में सपोर्टेड नहीं है, देख रहे हैं आप उसकी रेंज कितनी थी जावा में। सो हम इसको जब सेव करके रन करेंगे हमें एक एरर आना चाहिए बाय आवर कंपाइलर, लेट्स कंपाइल इट जावा सी वेरिएबल और एंटर, और उसने आपको एरर दे दिया, कह रहा है कि आपने इनकम्पैटिबल टाइप ली हुई है, आपकी टाइप ही कंपैटिबल नहीं है, आप वैल्यू बड़ी डाल रहे हो और टाइप आपने ली हुई है बाइट जो कि रॉन्ग है, और वो इस वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सक रहा, सो वो आपको एरर दे रहा है। तो अब हमें जो कि बड़ी वैल्यू सेव करनी है, तो आप हम देख लेते हैं कि इससे कोई बड़ी वैल्यू है, कोई टाइप है जो कि बड़ी वैल्यू से सपोर्ट कर रहा है, तो सेकंड आ रहा है हमारे पास शॉर्ट, अगर आपकी वैल्यूज थोड़ी बड़ी हैं तो आप शॉर्ट यूज कर सकते हैं, उसकी रेंज आ रही है बिट्स आ रहे हैं 16, और रेंज देखें जरा 32,767, इतना बड़ा नंबर आप इसमें पुट कर सकते हैं, माइनस साइड पे भी कर सकते हैं पॉजिटिव पे भी। सो लेट्स चेक योर दिस डेटा टाइप कॉल्ड शॉर्ट, चेक करते हैं इसको, हम तो कर देते हैं शॉर्ट, और शॉर्ट को मैंने दे दी 200 वैल्यूज। अब आप देख रहे हैं कि 200 वैल्यूज इसमें डेफिनेटली आ रही है इस रेंज में, सो कंपाइल करते हैं और अभी हमें एरर नहीं आएगा, अभी हमें एरर नहीं आया, और अभी हम रन करते हैं तो हमें 200 मिल गया। ओके गुड, अभी काम कर रहे हैं कि इससे बड़ी वैल्यू एंटर करते हैं, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है 32,767, ये सबसे बड़ी वैल्यू है इस डेटा टाइप के लिए, लेकिन मैं काम करता हूँ मैं आगे निकल जाता हूँ 67 की बजाय 68 कर देता हूँ, 69 कर, जो भी आप चाहते हैं। अब ये इसमें सपोर्टेड नहीं है तो ये आपको कंपाइलर की तरफ से एरर आना चाहिए, कंपाइलर की तरफ से आपसे आपको एरर आ रहा है, वो कह रहा है कि दिस वन इज द इनकम्पैटिबल टाइप, यू शुड टेक सम अदर टाइप। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव आफ्टर शॉर्ट, वी हैव इंट टाइप, कहां तक इसकी रेंज है जरा देख लें, कितना बड़ा नंबर सपोर्ट कर रहा है आपके लिए इंट। सो लेट्स टेक इंट, यस नाउ वी कैन इंसर्ट दिस वैल्यू इनसाइड अवर इंट टाइप ऑफ वेरिएबल, क्योंकि उसकी आप रेंज देख सकते हैं काफी बड़ी है। Let's compile it. I hope मैंने save कर दिया. Let's compile it. At this time we have no error. It means everything is perfectly fine. So let's run your program. And now we have a big number. Now let's suppose we have more than this range number. काफी बड़ा number है हमारे पास. तो जब बड़े number हो जाएंगे आपके पास, like काफी बड़ा मैंने कर दिया number, तो इसके लिए आपके पास कौन सी type आ जाएगी? Long. Let's take long type,
लॉन्ग ए भी एक टाइप है हमारे पास यहाँ पे. मैंने बड़ा नंबर कर दिया और लॉन्ग टाइप ले ली. लेट्स कंपाइल योर प्रोग्राम. और हमें एरर नहीं आया और मैंने रन किया तो हमारे काफी बड़ा नंबर भी है, वो बिकॉज ऑफ लॉन्ग डेटा टाइप जिसकी रेंज बहुत ही ज्यादा है. आप देख रहे हैं कितना बड़ा नंबर में आ सकता है. सौभाग्य. नेक्स्ट वी हैव फ्लोट टाइप. फ्लोट क्या होता है, फ्लोट को भी देख लेते हैं. फ्लोट आपके पास ये आप देख रहे हैं 1.4012, ये इस किस्म की वैल्यूज लेता है फ्लोट, जिसमें आपके पास पॉइंट्स आते हैं, डेसिमल आता है. फ्लोट उसके लिए यूज होता है, इवन के डबल भी उसके लिए यूज होता है. जब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं तो आप उनके लिए फ्लोट या फिर डबल ले सकते हैं. सो अगर आपने ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जैसे 100.6, 200.79, जिसमें पॉइंट आ रहा है, तो उसके लिए आप कौन सी टाइप हो गए, फ्लोट और डबल. ठीक है. सो अभी मैंने डबल टाइप ले ली तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ. मैं यहाँ पे करता हूँ 3.33. अब ये पॉइंट वाली वैल्यू है और अब क्योंकि हमने डबल डेटा टाइप ली है, सो लेट्स कंपाइल इट एंड वी शुड हैव नो एरर. यस, एंड नाउ यू कैन रन अवर प्रोग्राम एंड वी आर गेटिंग 3.33. इट्स नॉट 33, इट्स 3.33. अच्छा, एक छोटे सा इशू है, वो ये कहते हैं मैं यहाँ पे फ्लोट ले लेता हूँ. फ्लोट वो भी सपोर्ट करता है आपकी डेसिमल वैल्यूज को, लेकिन उसकी रेंज जरा कम है. अगर आप उसे चेक करें, 32 ले रहा है, वो 64 ले रहा है. लेकिन एक छोटा सा इशू अभी आपको आने वाला है, वो जरा देख लें. अभी मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो देखें क्या होता है. ये मैं एक एरर दे रहा है और क्या कह रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप एंड इट पॉसिबली लूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम डबल टू फ्लोट. बेसिकली जावा में इसके लिए, डेसिमल के लिए डबल डेटा टाइप जो है वो यूज हो रही है, फ्लोट भी यूज होती है. लेकिन अगर आपने फ्लोट करना ही है यूज स्मॉल डेसिमल वैल्यूज के लिए, तो एक छोटा सा काम आपने करना है. आखिर में एक छोटा सा एफ लगाना है ताकि जावा को पता लगे कि ये लोग फ्लोट वैल्यू यूज करना चाह रहे हैं इंस्टेड ऑफ डबल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो डबल ले रहा है. तो हम इसको एफ कर देते हैं. एफ मींस कि हम लोगों ने फ्लोट ही लेनी है वैल्यू, क्योंकि हमारी वैल्यू छोटी सी है. सो इसको सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं. एंड दिस टाइम वी हैव नो एरर एंड लेट्स रन योर प्रोग्राम एंड हमें 3.33 मिल रहा है यूजिंग फ्लोट. फ्लोट का छोटा सा एक काम है, वो ये है कि वैल्यू के साथ आपने स्मॉल एफ लिखना होगा. नेक्स्ट वी हैव कैरेक्टर और कैर और चार. 16 में रह रहे और आपके पास 0 to 65 समथिंग वैल्यू इसमें आ रही है. तो लेट्स सी के हमारे पास कैरेक्टर्स में क्या होता है. कैरेक्टर डेटा टाइप CHAR. कैरेक्टर होता क्या है इंग्लिश में, ए और बी और सी एंड सो ऑन, ये कैरेक्टर्स हैं. तो कैरेक्टर्स पुट करने के लिए मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ. कैरेक्टर को हम सिंगल कोड में पुट करते हैं. मैंने यहाँ पे सिंगल कोड में बी रख दिया. बी इज अ कैरेक्टर. बी किस में जा रहा है, ए में. तो हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं. लेट्स कंपाइल एंड नो एरर एंड नो रन एंड बी आपको आंसर में मिल रहा है यहाँ पे. सो दैट इज योर कैरेक्टर बेस वैल्यू. लेकिन अगर मैं यहाँ पे डबल बी कर दूँ तो आपको पता है कि ये मोर देन वन कैरेक्टर्स हो गए हैं, इट्स नॉट योर सिंगल कैरेक्टर. तो उसके लिए फिर टाइप जो है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी और वो होती है आपकी स्ट्रिंग. स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग वो होता है जिसमें मोर देन वन कैरेक्टर्स आते हैं. जब मोर देन वन कैरेक्टर्स आते हैं तो आप सिंगल नहीं बल्कि यहाँ पे डबल कोट लगा दें, बिकॉज स्ट्रिंग जो है वो आपके डबल कोट में होते हैं. तो मैं अगर यहाँ पे एक प्रॉपर वर्ड लिख दूँ, लेट सपोज हेलो. सो अभी ये आपका मोर देन वन कैरेक्टर्स हैं, तो उसके लिए टाइप आपने स्ट्रिंग ली है. तो स्ट्रिंग को हम देख लेते हैं. अच्छा, प्रोग्राम को कंपाइल. नो एरर एंड वी हैव हेलो. इसमें आप अपने नेम्स, एड्रेसेस वगैरह बहुत कुछ पुट कर सकते हैं. इवन कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, हेलो 1 2 3, इसमें सब कुछ आ जाता है. फिर डबल कोट के अंदर जो भी लिखना चाहें आप लिख लें. एंड नाउ वी हैव हेलो 1 2 3. सो ये आपका जावा का बेसिक वेरिएबल से रिलेटेड लेक्चर था. ये सारी सिचुएशन मैंने अभी आपके सामने डिस्कस की है, वेरिएबल होता क्या है एंड उसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हमने देख ली. सो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा. थैंक यू.